हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, क्वेश्चन सीरीज, जिसमें ये क्लासेस सेकंड क्लास आ रही है आज। फर्स्ट क्लास का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकेंगे। ये वीडियो रहने वाला है एम्स, ESIC, PGI, RRB, GMCH, RUHS, जिन भी एग्ज़ाम की आप नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अ फैक्टर प्री डिस्पोजिंग अ पेशेंट टू नोजोकोमियल निमोनिया इज, अ पेशेंट है जिसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो पेशेंट का निमोनिया का प्री डिस्पोजिंग जो है नोजोकोमल जो निमोनिया है इसका क्या हो सकता है। तो अपन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट राइट आंसर की बात करेंगे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी जाएगा, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। अब बात कर लेते हैं नोजोकोमल एक इन्फेक्शन होता है, एक नोजोकोमल निमोनिया। नोजोकोमल वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, पेशेंट है वो हॉस्पिटल में है, उससे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है साइड जो उसकी जो डिजीज़ के अलावा जो इन्फेक्शन मिलते हैं पेशेंट्स को, उसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन मिलते हैं बोलते हैं। और जो नोजोकोमियल निमोनिया है तो वो इसका राइट आंसर जाएगा, एंडोट्रेकियल आप इंटूबेशन करते हैं तो उससे वहाँ इस निमोनिया का होने का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन, द नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, आपका जो पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो कितना होता है नॉर्मल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड आ रहा है और आगे भी आएगा, तो अपन राइट आंसर की बात कर लेते हैं डायरेक्ट। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर जाएगा आपका, 10 to 20 mm ऑफ HG। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, थर्ड क्वेश्चन रहेगा, रिमूवल ऑफ एन एंटायर लंग इज कॉल्ड एज, आप जो है लंग्स से अपना लंग्स के किसी पार्ट को आप निकाल रहे हैं एंटायर पार्ट को, तो आप उसको क्या बोलेंगे। तो राइट जो ऑप्शंस की हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर जाएगा, निमोनेक्टोमी, मींस लंग्स का कोई एंटायर है वार्ट वो निकालना। यदि आप लंग्स का किसी एक पर्टिकुलर लोब को निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं लोबेक्टोमी, और किसी सेगमेंट है इसी सेगमेंट को निकाल रहे हैं तो सेगमेंट रिसेक्शन आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लैरेंजियल कैंसर, लैरेंजियल जो कैंसर होता है उससे रिलेटेड जो मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम क्या होता है, जिसे पता लगता है कि पेशेंट को जो क्लाइंट को आपका जो है लैरेंजियल कैंसर होने की संभावना है वो बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, पेशेंट्स के जो क्लाइंट है अपना उसके जो वॉइस में आपका हॉर्सनेस आएगा तो आप समझ लेना कि जो क्लाइंट का है अर्ली सिम्टम बताता है कि लैरेंजियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ द ब्लड इज सप्लाई टू द लार्ज इंटेस्टाइन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसको जो किस आर्टरी के द्वारा आपका ब्लड सप्लाई होता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे, सुपीरियर जो मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, सुपीरियर जो मेसेंट्रिक आर्टरी होती है उसके द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कार्डियक मसल्स डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल्स बाय, तो इसकी राइट आंसर की हम बात करेंगे, आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार रहेगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सेवंथ क्वेश्चन की, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा जो रिस्क फैक्टर है वो हार्ट जो है हाइपरटेंशन का है और जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ऐसा कौन सा है जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शंस इसके राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, एज को मॉडिफाइबल नहीं कर सकते हैं, बाकी ओबेसिटी है, आप साल्ट इंटेक कर रहे हैं या अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं इन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एज को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर एज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे एट्थ की, ट्रेडमिल टेस्ट या फिर स्ट्रेस टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट, जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है वो किसके लिए आप यूज़ करते हैं, तो
तो आप राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। इसमें जो ट्रेडमिल होता है उस पर पेशेंट को खड़ा रख के वहाँ पे एक्सरसाइज मींस आपको वहाँ दौड़ाया जाता है, तो पता लगता है कि पेशेंट का हार्ट में ECG साथ में ECG चलती है, पता लगता है कि आपका मायोकार्डियल में कहाँ पे कितनी जो है ऑक्सीजन का परफ्यूजन है वो परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पेन होगा यदि आपको मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है, तो इस प्रकार से इस ट्रेडमिल टेस्ट को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, नाइन्थ क्वेश्चंस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो राइट आंसर जाएगा कार्डियक डिसरिदमिया। कार्डियक डिसरिदमिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को जो है डिस्क्राइब किस तरीके से कर पाएंगे, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी है, वो राइट आंसर होगा, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू मीट द बॉडीज डिमांड। तो बॉडीज की जो बॉडी का जो डिमांड है ऑक्सीजन या फिर ब्लड की जो डिमांड है वो हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा है, मींस कंजस्टी कंजेशन हो गया है, हार्ट फेलियर हो गया है। नेक्स्ट इलेवंथ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, विच क्लाइंट प्रॉब्लम हैज प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट विथ ए कार्डिक डिसरिदमिया। जो कार्डिक डिसरिदमिया है इसमें क्या आप जो है प्रायोरिटी देंगे पेशेंट को, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ट्वेल्थ क्वेश्चंस, विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विथ क्रॉनिक वीनस इनसफिशेंसी। तो इसकी राइट आंसर की हम बात करेंगे, स्किन इंटेग्रिटी एंड इम्पेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, थर्टी क्वेश्चंस की, थर्टीन की, क्लासिकल सिम्टम ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा है क्लासिकल सिम्टम नहीं है, किसका, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। तो ऑप्शन ए है मसल्स पेन, ऑप्शन बी होमान साइन, ऑप्शन डी है जो रेडनेस। इसमें जो ऑप्शन सी है स्वेलिंग से कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन ए बी सी ये है जो ऑप्शंस है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से है, ऑप्शन सी स्वेलिंग है जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से संबंधित नहीं है। इसमें होमान साइन है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए पेशेंट इज रिसीविंग वारफेरिन जिसको काउमेडिन बोलते हैं फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेट वाइल द पेशेंट इज ऑन वारफेरिन। तो वारफेरिन ले रहा है पेशेंट तो उसके लिए क्या कॉन्ट्रा इंडिकेट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मींस एस्प्रिन, आप वहाँ पे अवॉइड है और कॉन्ट्रा इंडिकेट है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की बात करेंगे, अ नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विथ DVT एंड सी मस्ट बी अवेयर दैट वीनस एम्बोलाई विल बी लॉक्ड इन। आप पेशेंट है जो DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस का पेशेंट है उसकी नर्सिंग केयर आप कर रहे हैं, तो उस दौरान जो है थ्रोम्बस है वीनस जो है एम्बोलाई है वह कहाँ पर बनने का वो चांसेस है, तो आपका राइट आंसर की हम बात करेंगे तो बी आपका राइट आंसर, लंग्स में है वो बनने का चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 अनाउंस्ड ऑन ऑफिशियल नेम फॉर द डिजीज दैट इज कॉजिंग द 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज। कोरोना वायरस अभी फिलहाल चल रहा है तो उसका नाम क्या रखा गया है, फिलहाल जो डिजीज है उसका COVID-19, ये सभी आप भली भांति जानते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, व्हाट इज द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन द प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। तो इसका हम राइट आंसर की बात करेंगे तो कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। आप जब सींकते हैं या फिर नोज से सीक्रेशंस आता है तो आप जो है कवर करेंगे आपका नोज और माउथ को। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, मिस्टर मधु इज ऑन ओरल एंटीकोगुलेंट वारफेरिन टू प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म, द ब्लड टेस्ट फॉर मॉनिटरिंग द डोज ऑफ वारफेरिन। तो आप वारफेरिन की डोज मॉनिटर किस प्रकार करेंगे, तो इसके लिए आप इंटरनेशनल जो INR फॉर्मूला होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो के द्वारा पता लगा सकते हैं कि डोज कितनी क्या देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, 19 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो ट्रू है, तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट राइट आंसर की, तो स्ट्रैटिफाइड
क्यूबोडल एपिथेलियम हैज मैनी लेयर्स ऑफ द सेल। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द नर्स नो दैट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ए क्लाइंट एंजाइना विल बी रिलीव्ड बिकॉज द ड्रग जो है पेशेंट है एंजाइना का है उसको नाइट्रोग्लिसरीन हमने दी है तो उसका पेन रिलीव होता है किस कारण रिलीव होता है। तो स्टिमुलेट द हार्ट रेट टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाती है हार्ट रेट के साथ साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि किसी प्रकार का डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में अपन मिलते हैं।